चालू भी कर दी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजी। चलिए आज की क्लास को आगे करते हैं बेटा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सभी बच्चे आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल हम बात कर चुके थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका। देखो हमने चैप्टर 3 पढ़ लिए हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चों। देखो पहला, सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला ये था। ओनली वॉइस बेटा, वीडियो विजिबल है सभी को? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर विजिबल है तो। वीडियो विजिबल है, सभी को विजिबल है? ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दूसरा पढ़ चुके हैं बच्चों हम यहां पर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। अब थर्ड चैप्टर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सेकंड चैप्टर था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके अपन लोग, और थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बार सभी वीडियो ऑन कर ले बच्चों अपना फिर हम बात शुरू करते हैं। देखिए ओके, अब देखो सुनिए बच्चों, सबसे पहले आज अपन जो बात करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम मेन बल्बिल्स इज लेफ्ट। ओके, प्रोपेगेशन बाय स्टेम मेन बल्बिल्स। अच्छा बल्बिल्स रह रहा है बच्चों आप लोगों का, कोई नहीं। बल्बिल्स में आप एग्जांपल लिखें, वाटर हाइसिंथ। क्या लिख ले बच्चों? वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, ठीक है, वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आज आप लोगों का एक न्यूज भी देखी होगी कि 2 अगस्त से हमारे स्कूल रीओपन हो रहे हैं। यस, कितने अगस्त से रीओपन हो रहे हैं बच्चों? 2 अगस्त से। तो ठीक है, अब हम जब कुछ और चीजें छूट गई होंगी अगर आपके रह गई हैं तो हम उनको ऑफलाइन में भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो आज अपन यहां से शुरू करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं बच्चों वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं। पहले फोकस करके देखिए, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बताओ बच्चों कौन सा चैप्टर है हमारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आज हम समझते हैं, बहुत ही बेसिकली और काफी इंटरेस्टफुल है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाता है बच्चों ये चैप्टर, और इससे हमारी बहुत मोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। तो इसे समझने की कोशिश करिए बच्चों, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर का समरी क्या है, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक समरी क्या है,
या आप इसका एक ओवरव्यू बना लीजिए बच्चों, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसका नाम है बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बताओ बच्चों क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? एक तो ये है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा क्या है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरे की अगर हम बात करें यहां पर, तो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे तीसरा प्रोसेस बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है बच्चों ऊजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ये दो तरह का होता है। वन इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर इज अ जेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट एक तरह का। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस हमने यहां डिस्कस कर लिया है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे बच्चों हम यहां पर? मेल रिप्रोडक्टिव हो गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया है, मेंस्ट्रुअल हो गया है, गैमेटोजेनेसिस हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा पार्टुरेशन। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम यहां पर लैक्टेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम समझने वाले हैं किस में बच्चों? आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। किस में समझने वाले हैं बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या समझना है उसको अपन देखते हैं बच्चों। देखो कैसे, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके। एक तो है क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, पार्टुरेशन और लैक्टेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स तो नहीं करवाए, करवाएंगे इसको जीतूकांत। जो बेटा थोड़ा बहुत मिसिंग पार्ट है वो जीतूकांत हम वहां करवा देंगे अभी ऑफलाइन में, एक बार और रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है जीतूकांत, ओके। ऑफलाइन में रिवाइज करवाएंगे तो जो चीजें रिमेनिंग छूट गई होंगी उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, पार्टुरेशन और लैक्टेशन, इन सारी चीजों के बारे में जब हम समझते हैं तो इनके बारे में हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव एक होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि इस चैप्टर में हम कंप्लीटली यही पढ़ेंगे और इससे हमें मोर अंडरस्टैंडिंग होगी, कि समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे कैसे हम चीजों को और समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, इन सबको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं अब तक,
कि अगेन अपने जैसा प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? और इसके बाद, हाँ इसके बाद अपन देखेंगे बच्चों, इसके साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में। याद करो कल हमने ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी थोड़ी बात की थी, ठीक है। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे और फीमेल में ओजेनेसिस देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों? पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी प्रोसेस, कि बच्चे का जन्म कैसे होगा, उसके समय कौन कौन से चेंजेस आएंगे, वो हम कहाँ देखेंगे बच्चों? पार्टुरेशन में। और उसके बाद हम समझेंगे लैक्टेशन। किसके बारे में समझेंगे बच्चों? लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे को फीडिंग करवाना, बच्चे को जो मदर मिल्क पिलाती है उसके लिए बेबी को जो फीड करवाती है, उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? या तो ओके बच्चों, अब हम इन इवेंट्स में आगे चलें, तो उससे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ अब यहाँ से। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। देखो, सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा रिप्रोडक्शन है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? क्योंकि हम प्राइमेट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, इसलिए हम प्राइमेट्स या हायर एनिमल्स हैं, तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऑस्ट्रस साइकिल अकर इन बेटा नॉन प्राइमेट्स। कल बात की थी हमने, ऑस्ट्रस साइकिल फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स, काउ, बफेलो एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अगर आप देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें एक तो मेल पार्टनर होना चाहिए। मेल को हम इस सिंबल से शो कर सकते हैं बच्चों। और एक क्या होना चाहिए? फीमेल पार्टनर होना चाहिए, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। अब इसमें हमको क्या समझना है? जो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर है, उन दोनों के आपस में क्रॉस करने पर, रिप्रोडक्शन करने पर, एक ऑफ स्प्रिंग यानी न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है यहां पर बच्चों? कि यहां दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझ रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ और टर्म्स को भी समझना होगा। वो क्या क्या है समझिए। पहली, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तो बेटा कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब क्या होता है? कि गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है बच्चों। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो क्या होगा? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है बच्चों? आगे समझते हैं इसको।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी। दूसरी चीज को समझिए बच्चों, यहां पर दूसरी चीज क्या है, एक आपने सुना होगा वीवीपैरस, एक तो होता है बच्चों वीवीपैरस और एक होता है ओवीपैरस और एक होते हैं बच्चों ओवो वीवी पैरस। बताइए बच्चों कितनी कैटेगरीज हो गई, तीन, पहला वीवी पैरस, दूसरा ओवी पैरस और तीसरा ओवो वीवी पैरस। ठीक है, ये जो तीन टर्म है इनके बारे में हमें समझना है सबसे पहले कि ओवो पैरस किसे कहा जाता है, वीवी पैरस किसे कहा जाता है और ओवो वीवी पैरस किसे कहा जाता है। तो समझिए बच्चों, वीवी पैरस वो होते हैं जो प्रोड्यूस यंग वंस, जो खुद के जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोड्यूस यंग वंस, जो अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं उनको कहते हैं बेटा वीवी पैरस। बिल्कुल सही बच्चा, वीवी पैरस। अगला ओवी पैरस, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग, एग लेइंग का मतलब होता है जो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, हैन, बर्ड्स, मैक्सिमम बर्ड्स, एग्जाम्पल बी आई डी एस, बर्ड्स, और यहां कौन एग्जाम्पल होगा बच्चों, ह्यूमन, मनुष्य। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल कि ऐसा कोई है जो अंडे भी देता हो और बच्चे भी देता हो, अपने जैसे बच्चों को भी पैदा करता हो और एग्स भी प्रोड्यूस करता हो? नो तो देखो बच्चों, उसका क्या एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझने की करते हैं जिसको ओवो वीवी पैरस कह रहे हैं कि जो अंडे भी दे और बच्चे भी पैदा करे, उनको कहते हैं ओवो वीवी पैरस। उसका नाम है डक बिल। क्या नाम है बच्चों उसका? डक बिल। याद रखे सभी बच्चे, डक बिल एक ऐसा एनिमल है जो एग लेइंग भी होता है और प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर सकता है। तो ये याद रख लेना बच्चों, तीनों एग्जाम्पल। ह्यूमंस को कहां रखा जाएगा? वीवी पैरस। और बर्ड्स को कहां रखा जाएगा? ओवी पैरस। और डक बिल को हमने कहां रखा है बच्चों? एग्स भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, डक बिल की बात कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ये तीन टर्म्स यहां याद रखनी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब था? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी। आप अगर देखेंगे फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, फिश में मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को कहां, पानी के अंदर छोड़ देते हैं और पानी में कोइंसिडेंटली ही वो एक दूसरे के अटैचमेंट में आ जाते हैं और उस अटैचमेंट में आ जाने की वजह से वो क्या कर लेते हैं, वहां पर फर्टिलाइज कर लेते हैं। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाने वाला कैसा होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है बिकॉज ये सेफ है और काफ़ी मतलब इसमें चांसेस रहते हैं डेवलपमेंट के। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, बहुत बार गैमेट्स खराब हो जाते हैं, दूसरे प्रिडिक्टर्स उन्हें खा जाते हैं, तो उसके लिए वो इतना सेफ नहीं होता। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? अब हम सर शुरू करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। तो देखो बच्चों क्या क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमने यहां की बात कर ली, अब हम बात करना चाहेंगे आगे और वो क्या है। देखिए
सुनिए, ह्यूमन बींग्स में, यानी अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारे पिक्चर्स आपको डायग्रामेटिकली दिए गए हैं बेटा एनसीईआरटी में, आप लोग देख सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, आप लोग देखोगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखो बच्चों, वन पेयर टेस्टिस याद रह जाएगा बच्चों, वन पेयर टेस्टिस, फिर उसके बाद वन पेयर वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, थर्ड इसमें हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसके बाद सेमाइनल वेसिकल, इसके बाद हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा बट्टो पेनिस, ठीक है, जो एजुकुलेटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बच्चों? एजुकुलेटरी ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है, यानी ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमें यहां देखने को मिलेंगे, तो वो एक डायग्रामेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, हम डायग्राम बना रहे हैं बेटा एक रफली सा, आप लोग उसको समझने की कोशिश करें। मेल रिप्रोडक्टिव के लिए देखो बच्चों, यहां पर एक स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल। मैं आपको एक लोकेशन समझाना चाह रहा हूं, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें बच्चों, और आप लोगों के पास एनसीईआरटी है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर आप निकालें तो आप देख पाएंगे उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कैसे और कहां दिखाई देता है। इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा, एनसीईआरटी है आप सभी के पास, अपनी एनसीईआरटी को निकालें और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है बच्चों। अब समझो इसमें, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां क्या समझना है बच्चों आप लोगों को, वो इस तरह से समझिए। देखो सबसे पहले बच्चों, आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये यहां नीचे एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है, ये भी यहां पर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है। तो इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, देखो समझिए, ये स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया है, दिस इज अ लेफ्ट टेस्टिस,
और ये कैसा है बच्चों? राइट टेस्टिस। एक तो है बच्चों लेफ्ट टेस्टिस और दूसरा कैसा है? राइट टेस्टिस। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर है ये, अब ये क्या कहता है? एपिडाइमेसिस, एपिडाइमेसिस। ओके बच्चों, इसके बाद इससे स्पर्म जिसमें जा रहे हैं उसे स्पर्मेटिक डक्ट कह दीजिए, या आप क्या कहने वाले हो? वासा डिफरेंशिया। या तो मैं इसे कह दूं स्पर्मेटिक डक्ट, मेटिक डक्ट, या इसे क्या कहने वाला हूं बेटा मैं? वासा डिफरेंशिया। क्या कह रहे हैं बच्चों उसको अपन? या तो स्पर्मेटिक डक्ट कहेंगे या उसे हम क्या कहेंगे? वासा डिफरेंशिया। नो बेटा, डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत, आप समझो बस वासा डिफरेंशिया। ठीक है, यहां पर एक चैम्बर होता है बेटा जिसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल। ठीक है, और ये बेटा ये कहलाते हैं आपकी बॉडी वॉल। ठीक है, और ठीक है, और ये बेटा यहां पर एक लिंगुअल कैनाल होती है जो इनको अटैच करके रखती है। कैसी रहती है बेटा? लिंगुअल कैनाल जो इसे अटैच करके रखती है। दिस इज पेनिस, ये क्या है बच्चों? पेनिस है। और ये है बेटा यहां पर एक लिंगुअल कैनाल। इसको कहते हैं बच्चों लिंगुअल कैनाल। ठीक है, और ये जो लिंगुअल कैनाल है ये टेस्टिस को अटैच करके रखती है बच्चा यहां पर। अब हमें इसमें कैसे समझना है और क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो आप जो पार्ट्स देख पा रहे हैं उन पार्ट्स के बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कैसे करेंगे? तो देखो समझिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है बच्चों? टेस्टिस, जिसको स्पर्म फैक्ट्री भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको? स्पर्म फैक्ट्री। क्योंकि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उस स्पर्म के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं आज जो आपको समझाने वाला हूं वो बेटा एक इंडिविजुअल टेस्टिस की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो टेस्टिस के बारे में अपन समझते हैं। देखिए इधर आइए, मैं इसे हटा देता हूं। देखो बच्चों, हमारा टेस्टिस ओवल शेप होता है बच्चों। किस शेप का होता है? ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप होते हैं। इसके अंदर यहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं एपिडाइमेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एपिडाइमेसिस। और इसमें से एक डक्ट बाहर निकल के आती है। और इस डक्ट को कहते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। क्या कहोगे बच्चों? स्पर्मेटिक डक्ट या वासा डिफरेंशिया। डॉट्सा
डिफरेंशिया। क्लियर बच्चों, या तो कहिए आप इसको स्पर्मेटिक डक्ट या वासा डिफरेंशिया। अब क्या करने वाले हैं ये बेटा, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी आउटर कवरिंग है जिसमें ये प्रेजेंट है और ये फ्रीली इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं बेटा स्क्रोटल सैक। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटल सैक। ये वो भाग है जहां टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं यहां पर बच्चों? ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, इसको आप स्क्रोटल सैक कहते हो। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटल सैक कहते हो। इसके अंदर आपको पता है कि ये आपकी बॉडी से बाहर पाए जाते हैं मेल्स में। क्यों ऐसा क्यों है कि भाई ये मेल्स में बॉडी के बाहर पाए जाते हैं? क्योंकि याद करो बेटा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए 30, ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते तो इस टेम्परेचर पर तो स्पर्म बन नहीं पाते। तो आउटसाइड बॉडी से ये क्यों रहते हैं? क्योंकि ये कुछ कम टेम्परेचर रखते हैं जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाए। तो -2 डिग्री सेल्सियस कम होता है स्क्रोटल सैक के अंदर, ठीक है बच्चों? तो इसको अपन क्या कहेंगे? स्क्रोटल सैक। जहां स्क्रोटम प्रेजेंट है वो चैम्बर क्या कहलाएगा? स्क्रोटल सैक। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसे कहते हैं एपिडाइमेसिस। इट विल बी कॉल्ड एपिडाइमेसिस, इसे कहते हैं एपिडाइमेसिस, इसे कहा जाता है एपिडाइमेसिस। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए कैसे, यहां टेस्टिस के अंदर, देखो बच्चों यहां टेस्टिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए हम बना देते हैं। ये जो सेल्स हैं बच्चों, इन सेल्स को हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बोलो क्या कह रहे हो आप लोग बच्चों इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जो स्पर्म बनाती हैं, जो स्पर्म बनाती हैं। तो मैं यहां लिख दूं, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं बच्चों। किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पर्म का। इनके साथ तो ये स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं। आप लिख लें बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके पास कुछ और इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं बेटा, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। इन लीडिंग सेल्स का क्या काम होता है बच्चों?
इनका काम है बच्चों लीडिंग सेल्स। तो जो लीडिंग सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है बच्चों। किसका सीक्रेशन करती है? एंड्रोजन हार्मोन का। ये याद रखना, लीडिंग सेल्स क्या सीक्रेट कर रही है बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। तो एंड्रोजन हार्मोन को हम सेकेंडरी मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, सेकेंडरी मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? सेकेंडरी मेल सेक्स हार्मोन। किनको कहेंगे बच्चों? एंड्रोजन को। क्लियर? अब सुनो बच्चों, ये सारे स्पर्म यहां से बनकर के किस में स्टोर हो जाएंगे बच्चों? एपिडाइमेसिस में। एपिडाइमेसिस स्पर्म के ऊपर वाला पार्ट होता है, और वो ऊपर वाला पार्ट जब ऊपर चला जाता है तो उसके अंदर इनको स्टोर कर दिया जाता है। अब स्टोर करने के बाद आप देखेंगे कुछ टाइम तक ये यहां रहते हैं, और उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन्हें आगे जाकर के ट्रांसफर कर देती हैं। अब आगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एजुकुलेटरी डक्ट में। एजुकुलेटरी डक्ट किस में ओपन होती है? पेनिस में। और पेनिस के बाद इनका एजुकुलेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? इनका एजुकुलेशन कर दिया जाता है। तो आपको अभी इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि सर हम टेस्टिस का जनरली डिस्कशन कर रहे हैं। टेस्टिस का ऊपर कवरिंग होती है जिसको अपन पेरिटोनियम कहते हैं। इस कवरिंग को क्या कहते हैं बच्चों? लिख लीजिए, पेरिटोनियम। बोलो बच्चों क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा पेरिटोनियम। इसको हम पेरिटोनियम कहेंगे। और इसके अंदर सब हम जब इसका स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कुछ और लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये कुछ लेयर्स और होती हैं जो इसको अंडरस्टूड करती हैं बेटा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसके साथ में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देखते हो कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है बच्चा? बर्थ से ही शुरू होता है। लेकिन फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर बर्थ हो जाता है। तो बिफोर बर्थ हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है।